हेलो गाइस, आज हम आए हैं गाइस थार और मैं हूं आपका दोस्त रोहित ठाकुर। आज हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं गाइस थार में और आप यहां की वादियां चेकआउट कर सकते हो, कितनी सुंदर और मनमोहक वादियां हैं, देख सकते हैं आप 360 व्यू। तो ये है हमारे मित्रगण जो बाइक में आए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको अभिषेक जी से, जो एक भयंकर और ताबड़तोड़ राइडर है। अभिषेक जी, क्या जी, नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जबरदस्त हमारे ब्लॉग में। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वेरी ब्यूटीफुल। और ये है हमारे बिट्टू भाई द डूड, और ये हमारे दो दोस्त सोनू और ये तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। गाइस की वादियों में आपका स्वागत है। और ये हमारा बाइकों का कॉन्वॉय। और एक और राइडर सूरज जसपा जी आए हैं। हां, ऊपर बैठने को बढ़िया है टेबल। जसपा जी के बहुत क्लोज रिश्तेदार है, ऊपर बैठने को बढ़िया है टेबल के। चलो ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय पियेंगे। ऋषि भाई, क्या कहना है आपका इस वादियों में? कितना पीस है यहाँ पर, देखिए आप। यहाँ पे आके आप फ्रेंड्स के साथ आइए और चिल आउट कीजिए। यस, लुक उठाइए यहाँ का, स्ट्रेस फ्री हो जाइए। आजकल की दुनिया में बहुत ही एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। और ये है हमारा चाय, जहाँ हम चाय पियेंगे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी। हम चाय पियेंगे अंकल जी के खूबसूरत दुकान में। हम आज चाय और भोजन ग्रहण करेंगे। देख सकते हैं आप अंकल जी का खूबसूरत सा ढाबा इन खूबसूरत सी वादियों के बीच में। आप देख सकते हैं अभी हम इन खूबसूरत वादियों में लंच का आनंद उठा रहे हैं। तो लंच में हमारे पास है राजमा चावल, देसी राजमा और देसी चावल। क्या मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सारी थकावट दूर हो चुकी है और हमारे साथ हमारे दोस्त और मित्र सभी। अंकल जी हमारे लिए गर्मा गर्म दाल ला रहे हैं, देख सकते हैं देसी राजमा का। वाह जी वाह, मटर पनीर, ये आई है पनीर। क्या बात है जी, क्या बात है, अंकल के हाथों में जादू है। जादू है। तो दोस्तों, काफी ट्रैक के बाद हमारे दोस्त लोग थकावट और टायर्डनेस से भरपूर थोड़ा रेस्ट फरमाते हुए, आप देख सकते हैं हालत इनकी। टॉवल टूर ले गया इस व्यू में एंजॉय करते हुए। ऐसा को सुनो, ऐसे करके नीचे से ले जा, कैसे नहीं होता कैट, हंस हो जाओ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रिज सा है। तो अभी हम छोटा सा शॉर्ट हाइक कर रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ, आपको खूबसूरत से ये व्यू दिखेंगे। तो साथियों चलो, पैदल चलो, हर टाइम बाइक में ही ठीक नहीं रहता है। तो हमारे कैमरा मैन शशि जी बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाएंगे आपको। चलो चलो भाई। तो साथियों, कुछ टाइम हाइक करने के बाद हम इस खूबसूरत सी वादी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल टाइम के कॉटेजेस बने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे दोस्त जो आ रहे हैं पीछे से। इस मनमोहक बेहद विहंगम दृश्य को आप देख के सब मनमोहित हो जाएंगे। तो ये हमारे ट्रैकर्स पीछे से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी थक चुके हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, कॉटेज के बारे में। और ये देख सकते हैं आप पीछे, वेलकम टू गाइस थार। ये हमारे लौंडे लबाटे
और ये देख सकते हैं आप काइस्तार का रेस्ट हाउस। तो ये है हमारा कॉटेजेस जो अभी बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी इनमें प्लास्टरिंग की है, मड प्लास्टरिंग आप देख सकते हैं, और शीशे का ही बनाया हुआ है। और जिसके बारे में आपको बोल रहा था, ये है ब्रिटिशर्स टाइम का रेस्ट हाउस। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ, देख सकते हैं आप। ये है FRH का स्थार, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1920। जब इवन रिटर्न्स बन रही थी तो हमारे यहाँ पे ये बन रहा था, देखो हम कितने मॉडर्न है। तो हिमांशु जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे पहुंच के? फुल ऑफ पॉजिटिविटी, सेरेनिटी एंड सम ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों, आज आपने देखा, आज आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा हमारा फर्स्ट व्लॉग। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और आप खूब भरपूर प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मारेंगे। तो हमारा व्लॉग फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ पॉजिटिविटी और एक अच्छा सा वातावरण और पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा और आगे भी प्यार और प्रेम बनाए रखेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रोहित ठाकुर ब्लॉग। थैंक यू। यस, चीयर्स।